सुकमा जिले में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि एसपी किरण चौहान के समक्ष 8 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही आत्मसमर्पित नक्सली नागेश की पत्नी रीता ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। एक ओर जहां आत्मसमर्पित नक्सली कलमू प्रकाश नक्सलियों की किस्टाराम एरिया कमेटी का सचिव रहा, तो वहीं जानकारी के मुताबिक सरेंडर किए दोनों नक्सली सुकमा में हुए कई बड़ी घटनाओं और बम ब्लास्ट में कई बार शामिल रह चुके। सुकमा जिले में नक्सल निर्मूलन का जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर दो हार्डकोर नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। कमलू प्रकाश ये संगठन में डीवीसीएम के पद पे था, व्यापक जन संगठन छात्र संगठन अध्यक्ष, इसके अलावा किस्टाराम एरिया का कमांड इन चीफ रहा है, विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर कमलू प्रकाश ने आज हथियार रख दिया और मेरे सामने आके आत्मसमर्पण किया है।